गैस, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह हम लोग जेंगो के अंदर एक यूज़र बना सकते हैं, और हमने यूज़र बनाया था और हमने ये देखा कि वो यूज़र यहाँ पर आ रहा है, हमारे उसका ईमेल भी आ रहा है, सब कुछ लिख कर आ रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारा साइन अप फॉर्म हमने बनाया था HTML के अंदर, हम किस तरह उस साइन अप फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं, अपने व्यूज़ को दे सकते हैं और सेव कर सकते हैं उसको अपने डेटाबेस में यूजिंग जेंगो क्रिएट यूज़र फंक्शन। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये पिछले वीडियो का मुद्दा था। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ बेसिक चेक्स जो कि हम लगाएंगे, जो कि हमने खाली छोड़े थे पहले। तो पहला चेक जो मैं लगाने वाला हूँ वो ये है कि जो यूज़र नेम है उसकी जो लेंथ है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर लेन ऑफ यूज़र नेम इज़ ग्रेटर देन 10 मैक्सिमम लेंथ अलाउ करते हैं यूज़र नेम की। तो मैं कहूँगा कि मैं एक एरर थ्रो करूँगा सबसे पहले और रीडायरेक्ट कर दूँगा होम पे। तो मैं यहाँ पर एक एरर थ्रो करूँगा और रीडायरेक्ट कर दूँगा होम पे। तो मैं यहाँ पर इसको एरर कर देता हूँ और मैं लिख देता हूँ योर यूज़र नेम कैन नॉट बी, या फिर यूज़र नेम मस्ट बी अंडर 10 कैरेक्टर्स, या 15 कर देते हैं उसको, 10 भी चलेगा वैसे, 10 कैरेक्टर इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद हम करेंगे इफ़ पास 1 इज नॉट इक्वल टू पास 2, तो हम क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे और लिख देंगे पासवर्ड्स डू नॉट मैच, पासवर्ड्स डू नॉट मैच, ठीक है। और पासवर्ड डू नॉट मैच कर दिया। और यहाँ पर हम उसी के साथ साथ क्या करेंगे कि सब जगह रिक्वायर्ड लगा देंगे। रिक्वायर्ड क्या होता है, देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ रिक्वायर्ड क्या होता है। मैं यहाँ पर सबसे पहले कंट्रोल पी करके, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वर्ड रैप इसलिए टॉगल कर रहा हूँ ताकि ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार गायब हो जाए। तो अगर आप यहाँ पर कमांड पैलेट में जाकर टॉगल वर्ड रैप लिखोगे और इसको चूज़ कर लोगे तो आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो है, अगर नहीं है तो आ जाएगा, और अगर है तो चला जाएगा। ताकि आपको पूरी स्क्रीन दिखे इसलिए मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को हटा दिया है। इनपुट में मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड लिख दूंगा, ठीक है। और रिक्वायर्ड मैंने यहाँ पर लिखा, रिक्वायर्ड मैं यहाँ भी लिखूँगा और रिक्वायर्ड मैं यहाँ भी लिखूँगा। जो मेरा पासवर्ड 2 है तो मैंने यहाँ पर लॉग इन फॉर्म में लिख दिया रिक्वायर्ड, तो इसमें भी चलो रिक्वायर्ड लिख देते हैं। साइन अप जो मोडल है मेरा उसमें भी मुझे रिक्वायर्ड लिखना है सब जगह। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर, जितने भी इनपुट टैग्स हैं सब मैं मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी यूज़ करता हूँ। और ये ऐसे मैंने लिख दिया, स्पेस दिया, पेस्ट किया, सेव किया, ठीक है। रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड, और उसी के साथ साथ यहाँ पर भी रिक्वायर्ड, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पर कुछ खाली तो नहीं हो सकता, ठीक है। यूज़र नेम पासवर्ड सब कुछ आपको डालना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल। अब यहाँ पर जो ईमेल है वो भी आपको सही सही डालना पड़ेगा, खाली डालोगे तो आपको दिक्कत आएगी। और पासवर्ड 1 पासवर्ड 2 जो है मैच होने चाहिए। और आई होप कि इतना काफ़ी है अभी के लिए। अगर आप कोई दूसरा टेस्ट डालना चाहते हैं, कुछ और चेक करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लेना, लेकिन अभी के लिए मैं बिल्कुल इसी तरह से इतने ही चेक करके आगे बढ़ना चाहूँगा। सेव करते हैं इसको, एक यूज़र बना के देखते हैं। इसको रिलोड करूँगा, साइन अप करूँगा और यहाँ पर इसको ज़रा खाली छोड़ के देखता हूँ। सब कुछ खाली अगर मैं छोड़ता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो ये कह रहा है दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। मान लो मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया, 1 लिख दिया, फिर यहाँ पर फर्स्ट नेम मांग रहा है, फिर से यहाँ पर मांग रहा है। फिर अगर मैं यहाँ पर कुछ फालतू लिखूँगा तो ये कह रहा है कि एट द रेट होना चाहिए ईमेल में, 1 में एट द रेट नहीं है। अगर यहाँ पर मैं एट द रेट कर दूँ तो ये कह रहा है कि ये भी गलत है। अगर ये करता हूँ तब ये मानेगा, और अगर इसके बाद भी सबमिट करता हूँ तो ये कह रहा है नहीं, पासवर्ड खाली नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पर एक बेसिक चेक्स जो है ऐड कर दिए हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर मैं आपको वापस से साइन अप फॉर्म दिखाऊं तो ये देखो यूज़र नेम में मैंने नंबर डाल दिया है। मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो यूज़र नेम है उसके अंदर, मैं इसको रेप्लिकेट करता हूँ ज़रा। मैं कहूँगा कि इफ़ यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, गूगल सर्च करता हूँ अल्फा न्यूमेरिक न्यूमेरिक पाइथन, ठीक है। और इज एलनम एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग का पाइथन की, और वो हमें बताता है कि सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हैं, सिर्फ लेटर और नंबर हैं हमारे एक स्ट्रिंग में या नहीं, ठीक है। तो इज एलनम जो है वो मैं चला दूंगा। अब देखो यहाँ पर इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन दी हुई है इज एलनम मेथड की,
कहीं भी आप लोगों को मिल जाएगा, आप गूगल सर्च करें, ये सारे फंक्शंस बहुत कॉमन हैं, लेकिन गूगल सर्च ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप मेरी तरह मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोडिंग करते हैं तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा याद रखना ये सब चीज़ें, इसलिए गूगल सर्च करने में कुछ गलत नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक आप लोगों को दिखाता हूँ एक चीज़ सबसे पहले, एक नया ये ओपन करके, मान लो मैंने ये लिखा ए इज़ इक्वल टू और 1 2, अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा ए डॉट इज़ एल नम, तो ये देखो ट्रू आ गया, लेकिन अगर मैं ए में एक डॉलर लगा दूँ और उसके बाद करूँ तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक हम रखना चाहते हैं अपनी यूज़र नेम को, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा इफ़ यूज़र नेम डॉट इज़ एल नम, यानी कि अगर अल्फा न्यूमेरिक है, इफ़ नॉट ऑफ करूँगा, अगर नहीं है अल्फा न्यूमेरिक, यूज़र नेम मस्ट बी अल्फा न्यूमेरिक, ये लिख देता हूँ, मस्ट कंटेन कैन नॉट कंटेन और शुड ओनली कंटेन लेटर्स एंड नंबर्स, तो सिर्फ लेटर्स और नंबर्स आएंगे यूजर नेम में, कोई डॉलर वगैरह नहीं लगा सकता। सेव किया इसको, इसको यहाँ पर एग्जिट कर देता हूँ, भी ये नहीं चाहिए मुझे, जस्ट मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बनाया था। और अब ज़रा देखते हैं यहाँ पर कि एरर हमको किस तरह दिखाई देगा। रिलोड किया इसको मैंने, साइन अप किया, मान लो मैं यहाँ पर डॉलर लगा देता हूँ, ऐसे परसेंटेज परसेंटेज ये लगा देता हूँ, और यहाँ पर मान लो कुछ भी भरूँ मैं, और ये देखो मैंने यहाँ पर ये सारे के सारे जो ईमेल्स भरे हुए हैं वो मुझे दिखा रहा है, और मान लो मैंने यहाँ पर 123 डाल दिया पासवर्ड, 123 123 सबमिट, ये देखो ये कह रहा है यूज़र नेम शुड ओनली कंटेन लेटर्स एंड नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज की जगह एरर लिखता हूँ, मैसेज नहीं एरर, और खैर ये मैसेज ही है, मुझे यहाँ पर एरर लिखने की ज़रूरत नहीं है, दैट शुड बी ओके। मैसेजेस डॉट एरर रिक्वेस्ट पासवर्ड डू नॉट मैच डालूंगा, अगर पासवर्ड मैच नहीं करेंगे तो आप ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, और अगर कोई एडिशनल चेक आप लोगों को डालना है तो आप वो चेक भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है चेक फॉर एरोनियस इनपुट्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दूंगा यूज़र नेम शुड बी अंडर 10 कैरेक्टर, और उसी के साथ साथ फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि यूज़र नेम शुड बी अल्फा न्यूमेरिक, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा पासवर्ड्स शुड मैच, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम क्रिएट यूज़र कर देंगे, और अगर यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाएगी, ये फंक्शन रिटर्न हो जाएगा, और एक बार ये फंक्शन रिटर्न हो जाएगा तो उसके नीचे नहीं जाएगा, तो नीचे का जो मसाला है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब कोई ये जो सारे के सारे चेक्स हैं ये पास होंगे, यानी कि किसी भी इफ़ के अंदर ये नहीं जाना चाहिए, कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए यहाँ पर जो ये इफ़ के अंदर जाए, क्योंकि अगर ये इफ़ के अंदर गया तो यहाँ पर एरर थ्रो करके रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ जो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ वो साइन अप है, अगर मैं आपको कुछ ऐसे करूँ साइन अप, तो ये देखो ये कह रहा है 404 नॉट फाउंड, और मैं चाहता भी यही हूँ कि ऐसा हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग, अगर मैं साइन अप करूं तो अकाउंट बन जाए, कोई भी गेट रिक्वेस्ट मार के जाए तो अकाउंट बन जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं, ठीक है। बाय द वे आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि अगर मैं इसको रिलोड करूं तो ये देखो यहां पर सिर्फ 3 ही यूज़र्स हैं, बाकी यूज़र्स यहां पर नहीं आए, ठीक है। अब यूज़र नेम में मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, जो मेरा यूज़र नेम है उसको मैं सिर्फ लोअर केस मान लो मैं रखना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको अगर मान लो मैं सिर्फ लोअर केस रखना चाहता हूँ, अब देखो यहाँ पर जेंगो ने सब कुछ अलाउ किया हुआ है अपने ऑथेंटिकेशन सिस्टम में, लेकिन ये सिर्फ मैं हूँ जो कि चाहता है कि अपर केस ना हो यूज़र नेम, और वो सब चीज़ें मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, जब ये मैं बना रहा हूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूज़र नेम के ब्रैकेट में, कहाँ गया मेरा यूज़र नेम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लोअर केस एंड अल्फा न्यूमेरिक, सेव किया मैंने, और इसको रिलोड करूँगा, देखो ये कह रहा है लोअर केस एंड अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। और मैं काम करता हूँ कि ये जो लोअर केस और अल्फा न्यूमेरिक है इसको यहाँ डाल देता हूँ प्लेस होल्डर में, यहाँ पर ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको यहाँ पर कंट्रोल एक्स करूँगा, कंट्रोल एक्स करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ डाल दूँगा, कंट्रोल वी से सेव करके इसको कंट्रोल वी से पेस्ट करके सेव करूँगा, और उसके बाद यहाँ पर मैं वापस से रिलोड करूँगा, और जैसे ही मैं रिलोड करूँगा और साइन अप पे क्लिक करूँगा तो आप लोग देखो कि यहाँ पर अगर मैं यूज़र नेम हटाऊँ अपना तो यहाँ पर चूज़ अ यूनिक यूज़र नेम आ गया है, लोअर केस एंड अल्फा न्यूमेरिक आ गया है, और कोई भी प्रॉब्लम भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर खाली छोड़ोगे तो डेफिनेटली आप लोग को एक एरर देखने को मिलेगा, और अगर आप लोग कुछ कुछ रैंडम डाल दोगे इसमें और आपके पासवर्ड मैच मान लो नहीं कर रहे हैं
तो यहाँ पर सबसे पहले तो ईमेल ठीक करना पड़ेगा, और वो भी ठीक कर लिया आपने तो आपको पासवर्ड्स डू नॉट मैच एरर मिलेगा, क्योंकि ये दोनों मैच नहीं करेंगे। तो ये देखो पासवर्ड्स डू नॉट मैच। तो आई होप कि हमने काफ़ी ऐड कर दिया है इसमें चेक, और आप लोगों को मज़ा आ रहा है ब्लॉग में। मैं आप लोगों से सबसे एक कमेंट चाहता हूँ नीचे कि मज़ा आ रहा है हरी भाई, मुझे नीचे लिख के बता दो अगर मज़ा आ रहा है इस ब्लॉग में। इस ब्लॉग में अगर आप कमेंट्स देखना चाहते हैं, इस ब्लॉग में अगर आप लोग चाहते हैं कि किस तरह हम लोग यूज़र को कमेंट करने की शक्ति देंगे, रिप्लाई करने की शक्ति देंगे, और किस तरह से हम लोग यहाँ पर और चीज़ें इम्प्रूव करेंगे इस ब्लॉग में, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बहुत जल्दी। मैं चाहता हूँ कमेंट मुझे नीचे मारो अगर कोई भी फीचर आपके दिमाग में है, और ज़रूर से कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना अगर आप लोग को पसंद आ रहा है। आई होप कि आप लोग को पसंद आ रहा है, मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। तो जितने भी लोग मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि सब लोग लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज़। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।